पा रहे हैं और जिम्मेदारों को कोई परवाह ही नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में सड़क के आवारा कुत्तों की आरामगाह बन गया है यह अस्पताल, ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल कुत्तों का आरामगाह बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुबख्शगंज के जटवा टप्पा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्तों का आरामगाह का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सीएमओ ने कड़ा रुख अपनाया था। वहीं आज फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में कुत्तों का आराम करने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जिसको एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने सीएचसी को गोद लिया था और वहां पर व्यवस्थाएं व कई तरह की योजनाएं देने की बात भी कही थी। लेकिन सरकारी अस्पताल पर जहां एक नहीं दो नहीं तीन कुत्ते बगैर रोक टोक के आराम कर रहे हैं, कुत्तों की आराम तलबी का वीडियो के न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों को संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं जब के न्यूज के संवाददाता ने इसका रियलिटी चेक किया तो मौके पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शरद कुशवाहा ने मामले में गंभीरता दिखाने के बजाय कुत्तों को भगाने के लिए सफाई कर्मचारियों को निर्देश दे दिया। जहाँ रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो अवैध कुत्तों का भटकना या वहाँ पे आरामगाह करने के कई वीडियो वायरल है, उसी में आज एक और वीडियो हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वायरल हुआ, जिसमें कुत्ते वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आराम कर रहे थे। आज हम वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और आपको दिखा दें, ये वो एरिया है जहाँ पर कुत्ते आराम कर रहे थे इस एरिए पे, और यहाँ पे एक से लेकर तीन कुत्ते बैठे हुए थे जो आराम कर रहे थे। सामने डॉक्टर का केबिन है, डॉक्टर का कक्ष है जहाँ पे ये मरीज देखते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ के अधीक्षक को जानकारी मिली कि यहाँ पे कुत्तों का मामला है, अधीक्षक ने तत्काल जो है यहाँ के जो कर्मचारी है, जो फोर्थ क्लास के वर्कर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में दिलाया कि अगर ऐसी गलती हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार है। फिलहाल कुल मिलाकर इसमें सीएमओ ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, एक बार उनको सचेत कर दिया गया है, अगर दोबारा से ऐसी कोई गलती सामने आती है तो उनके लिए कार्रवाई करने की भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसी को लेकर के यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शरद कुशवाहा है, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुत्तों का जो आरामगाह बन गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें डॉक्टर साहब का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ से एक कुत्ते आराम करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या मामला था वो? मामला संज्ञान में आया है, आया था दो तीन दिन पहले, एक दो कुत्ते अंदर घुस गए थे जिसको लेके कोई वीडियो बना रहा था, तो उस दिन मुझे मामला संज्ञान में आया था। मैंने संबंधित को निर्देशित कर दिया, फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय को भी कर दिया कि इस तरह से कभी कुत्ता या कुछ भी आए आप भगा दीजिए, और अगर दोबारा इस तरह से कुछ होता है तो आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैंने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि डॉक्टर यहाँ के जो डॉक्टर हैं शरद कुशवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन इस तरह के जो वीडियो कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो वायरल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के जो फोर्थ क्लास के वर्कर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पर सवाल निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को तत्काल आदेशित किया गया है इस तरह की हरकतों पर नजर रखें। पशुओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आने पर अगर किसी भी कर्मचारी की लापरवाही सामने आई तो तत्काल कार्रवाई होगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें कराई जा रही हैं, जहाँ तक इसकी जानवर की बात है सुनने में आया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम दिखवा लेते हैं कि कैसे कहाँ से जानवर आ गया। सर, जनप्रतिनिधि ने इसको गोद लिया, उसकी भी बात भी इसकी दुर्दशा है कि वहाँ पर सफाई कर्मचारी और बाकी के स्वास्थ्य कर्मचारी न होने के बावजूद कुत्ते और जानवर वहाँ टहल रहे हैं। मैंने गोद लिया है तो सारा काम उसमें शुरू किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ से है हमारी। लापरवाही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? लापरवाही तो नहीं कहेंगे, कैसे जानवर घुस गया, कहाँ से घुस गया, ये तो जांच का विषय है। अस्पतालों में कुत्तों के घूमने की तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ऐसी तस्वीरों से सबक कब लेगा। के न्यूज के लिए रायबरेली से मनीष अवस्थी की रिपोर्ट।
और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।